बताए थे हम तो लोग को मोनावेड क्रॉस, ठीक है, आज बता रहे हैं डी एविड क्रॉस। डी एविड क्रॉस में मेंडल साहब ने दो जोड़ा विपरीत गुण वाले को आपस में संस्करण कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कराने पड़े थे कि मेंडल साहब ने एक जोड़ा विपरीत गुण वाले को आपस में संस्करण कराए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि डी हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने दो जोड़ा विपरीत गुण लिए। तो दो जोड़ा विपरीत गुण, एक था जो लंबा पौधा और इसका विपरीत हो जाएगा बौना पौधा। था इसमें एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ, नया एक लक्षण ये, आई दूसरा लक्षण ये, दूसरा इसका था गोल पौधा, गोल बीज, और दूसरा झूलेदार बीज, झूलेदार बीज। तो ये दो जोड़ा हुआ ना, तो वही है यहां, जब दो जोड़ा विपरीत गुण वाले को आपस में संस्करण कराया जाता है तो उसे डीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक रीति आगे पढ़ना का चाहिए, करें इस नियम के अनुसार मेंडल साहब ने लंबा पौधा, गोल बीज, लंबा पौधा और गोल बीज, माने पौधा रहेगा लंबा, उसका बीज कैसा होगा, गोल होगा, एक जोड़ा होगा इसका। दूसरा में, दूसरा जब था नाटा पौधा, झूलेदार बीज, नाटा पौधा बोले या बौना पौधा बोले, नाटा पौधा और झूलेदार बीज को लिया, जिसको संस्करण कराने पर प्रथम पीढ़ी में देखा गया कि सभी जो बीज निकले वो सभी बीज गोल निकल गया, झूलेदार एक रहा भी नहीं। ठीक है, अब बीज वाले पौधे, सभी गोल बीज वाले पौधे को प्राप्त हुआ, जिसे स्वयं संस्करण के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो फिर देखा जाता है कि दूसरा पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में, चार प्रकार के बीज प्राप्त हुए। ठीक है, कितने प्रकार के, कौन कौन, एक देखा वो पहला पीला गोलाकार बीज, माने कि बीज था वो कैसा था, पीला था और गोलाकार था। दूसरा पीला झूलेदार बीज, हरा गोलाकार बीज और हरा झूलेदार बीज। इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात बाहर से देखा गया 9:3:3:1। अगर ये किसी को याद नहीं होता तो याद सीधे कर लिए 93:31 और बीच में डाल दीजिए अनुपात। ठीक है, याद हो जाएगा। और जीन प्रारूपी अनुपात 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1:2:1 ऐसे करते गए, गवा जाओगे। इससे बेस्ट याद रखना 12:24:12:121। ठीक है, 12:24:12:121। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा आंख मुंह के बोलना आएगा, देखो ना क्वेश्चन आएगा तो भरत में ऑब्जेक्टिव रहेगा। सौ गो में चाहे तो ये और चाहे तो ये कहीं ना कहीं पर लग जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए इसको एकदम रट लेना आंख मुंह के। चलिए, हो गया क्लियर? यस सर। बस रहने दिया, फिर हम इसको क्रॉस करके दिखा देते कैसे क्रॉस होता है। कि मंडल साहब ने दो विपरीत गुण वाले लक्षण का संस्करण कराया, तो दो विपरीत गुण वाले लक्षण पहले ही बता दिया था, जो एक था लंबा पौधा और गोल बीज और दूसरा बौना पौधा झूलेदार बीज। यही देखिए, यहाँ पीला बीज, पीला और गोलाकार बीज, माने बीज कैसा रहेगा, पीला रहेगा और गोलाकार रहेगा, और हरा बीज और झूलेदार बीज। अब देखो हम इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। पीला बीज जहाँ रहेगा तो पीला वाई से येलो से होता ना, पीला वाई, तो यहाँ कैपिटल वाई में समझना पीला, ठीक है, और स्मॉल वाई में समझना हरा, ठीक ना, ये इसका मेथड है। अगर सर हरा का स्पेलिंग होता है ग्रीन, तो यहाँ पर आप स्मॉल वाई दे रहा है, इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट किया गया। हम चाहेंगे तो अपने मन से यहाँ पर कर सकते हैं जी, लेकिन संस्करण का नहीं, कहीं पे कहीं गड़बड़ा गया थे, ठीक ना, इसे समीकरण फिर पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर देखना राउंड मिस होता है गोल, आर से कैपिटल आर रहेगा वहां समझना राउंड है, ठीक है, पूरा गोल है, और जहां रह जाएगा स्मॉल तो सब माना झूलेदार, समझते हो, रफ रहेगा, जैसे ये होगा सीखना पूरा, और ये थोड़ा सा रफ नहीं है, रफ है, ठीक है, हाँ खुरदरा उसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसको यहाँ इसमें लिख दिए हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दैट मीन्स पीला गोलाकार बीज, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, तुम समझ लेना, अगर नहीं जाना हम नहीं भी लिख सकते, लेकिन तुम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं।
यहाँ फिर स्मॉल वाई स्मॉलर दैट मीन्स हरा अजूदर बीज। जैसा कल भी बताए थे मंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार जीन जो होता है वो अलग अलग होता है, कब? निषेचन से पहले। तो ये जीन जो है अलग अलग हुआ, ठीक है, और ये जीन जो अलग अलग होते इसका देखा एक जीन इसमें उभरा, एक जीन दोनों में, इसका एक जीन उभर गया, ठीक है। अब उसके बाद जब निषेचन हो गया तो प्रथम पीढ़ी में देखा गया कि सभी जो बीज हुए वो पीला अवलोकार बीज ही उत्पन्न हुए, ठीक है। इसको फिर संस्करण करने के लिए छोड़ दिया गया, संस्करण करने के लिए फिर छोड़ दिया गया। तो देखते हैं हम लोग कि देखिए फिर ये गैमेट बन रहा है, और इसी गैमेट को देखिए इस तरह से हमें बना रहा है सारणी के द्वारा, ठीक है। सारणी के द्वारा देखिए ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दैट मीन्स ये गोलाकार है, गोलाकार और पीला है, ये गोलाकार झुरीदार है, हरा गोलाकार है और हरा झुरीदार है, ठीक है। इसी चीज को हम यहां अलग बैठा दिए, ठीक है। फिर यहां भी देखिएगा, यहां भी गोलाकार और पीला हो गया, पीला हरा हो गया, सॉरी झुरीदार और हरा हो गया, यहाँ गोलाकार और हरा हो गया, पीला गोलाकार पीला झुरीदार, ठीक, यहाँ हरा और गोलाकार हरा अझुरीदार, ठीक। अब इसलिए क्या संस्करण रखते हैं, संस्करण करने का रूल होता है मल्टीप्लाई, आप लोग पढ़े हमें मैथ में वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से बच्चा में पढ़े होंगे जरूर। यहाँ गुना रहता है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, चार दुनी के आठ, यहाँ दो है, दो दुनी के चार, चार मैंने इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हम लोग इस रो में चलते हैं, अगर यहाँ से चार दिया और तीन दुनी के, इससे गुना क्या करना है, ऐसे पढ़े हैं बचपन में, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई या कैपिटल वाई, दो कैपिटल वाई होगा और कैपिटल आर स्मॉल है, कैपिटल आर स्मॉल है, देखा जी कैपिटल आर होगा, दैट मीन्स बीज जो है पीला और गोलाकार है, ठीक, समझ रहा है। स्क्वायर नहीं, यहाँ एलजेब्रा का मैथ नहीं माना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ देखिए आर कैपिटल आर है और स्मॉल आर, ठीक, उसी से हम भर लेते हैं, हमें सबको समझ आ जाए तो पूरा काम, कोई दिक्कत देखिए ई गोलाकार और पीला, ठीक, यहां का जगह गोलाकार और झुरीदार, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, यहां देखो इसमें कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल वाई जाना पीला हो जाएगा, ठीक ना, पीला पीला गोलाकार, यहाँ पीला झुरीदार, सॉरी पीला गोलाकार, हाँ गोलाकार आर है ना, ब्लैक लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी गोलाकार होगा और पीला होगा, यहाँ तो ये समझ गया ना तुम लोग, वो हिंदी का लिखना है, तब देखिए हम मिला देते हैं, ये हमको ये मिला के दिखाना है कि 9 × 2 = 3 × 3 = 1 कैसे आया ना, ये
पीला सबसे ब्रांडिंग है पीला गोलाकार बीज पहले दिखाते हैं पीला गोलाकार बीज नौ को दिखा दिए उसके बाद पीला झूलेदार बीज ए बी तीन दिखा दिए हरा गोलाकार बीज ए बी तीन दिखा दिए और हरा झूलेदार बीज ए बी हम एक दिखा दिए अब इसमें से कुछ जो है वो मिश्रण है और कुछ विदाउट मिश्रण है ठीक है सर नंबर लिखे सर नंबर क्यों लिखे सर वो हम समझाने के लिए नंबर लिखने जरूरी नहीं ठीक है अब इसमें यही देखा गया है जिन प्रारूपी अनुपात तो नौ को यहाँ बटा गया चार छ और छ तीन नौ ये बदल गया बट गया यहाँ देखो ये बट गया और ये बट गया ये अलग हो गया ये वो जो है पूरा हरा झूलेदार ये प्योर है ठीक है।